राम राम जी। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूँ आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग लोकेलिटी रिव्यू के तीसरे वीडियो पे हैं। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम गुड़गांव की सारी लोकेलिटी के रिव्यूज़ कर रहे हैं विद मैप और हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझाने की अपनी पूरी जान लगा के कोशिश करता हूँ मैं आपको, जिसमें कि हम लोग रेट्स और साथ में प्राइस ट्रेंड पूरा, साथ में पूरे एरिया की नॉलेज और सारी लोकेलिटीज़ के बारे में आपको विद मैप मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। नए वैसे चीज़ें शुरू की हैं। आज हम लोग जो रिव्यू करेंगे वो करेंगे साउथ सिटी 2। तो चलिए करते हैं इसको रिव्यू। तो गाइज हम लोगों के सामने साउथ सिटी 2 का मैप है। अभी अगर आप लोग जो ये रोड देखेंगे, ये सोना रोड है, ठीक है, ये सोना रोड है सारी आपकी। यहाँ पे गुड़गांव आता है और यहाँ पे सोना आता है। तो जो मेन साउथ सिटी 2 की एंट्री है वो आप लोगों की रहेगी यहाँ से। यहाँ से इसकी मेन साउथ सिटी 2 की एंट्री होती है। एंट्री होते ही जैसे आप लोग ये देखेंगे, ये वाली रोड सोना रोड है। ये जो मेन एंट्री है 30 मीटर की रोड है, जो ये 30 मीटर की रोड आपकी सीधा सीधा जाएगी सुशांत लोक को टच करेगी। यहाँ पे आपका किसी को पता है, सब लोगों को पता भी है, जैसे यहाँ पे पार्क हॉस्पिटल भी आता है, यहाँ पे पार्क हॉस्पिटल है और सारे कमर्शियल हैं। यहाँ से जैसे आप एंटर करते हैं इस रोड से, ये है 24 मीटर रोड। ये 24 मीटर रोड ये पूरे साउथ सिटी 2 को कनेक्ट करती है। ये 24 मीटर रोड, ये वाली जो 24 मीटर रोड है, ये इस पूरे साउथ सिटी को कनेक्ट करते हुए यहाँ जी ब्लॉक के बराबर से यहाँ से आगे निर्वाणा कंट्री शुरू हो जाता है हम लोगों का। तो आज हम लोग बात करेंगे साउथ सिटी 2 में क्या क्या हम लोगों के फैक्टर हैं, क्या क्या कौन कौन से कैसे ब्लॉक हैं। तो इसमें हम लोगों का सबसे पहला है ये ब्लॉक। ये ब्लॉक बहुत प्रीमियम आता है, ए ब्लॉक है ये। जैसे आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से एंटर करते ही यहाँ से साउथ सिटी 2 शुरू हो जाता है। ये ए ब्लॉक रहता है, इसके अपोजिट साइड में बिल्कुल बी ब्लॉक है। ये सारा बी ब्लॉक है। ए ब्लॉक में अगर आप देखें तो ए ब्लॉक में बिल्डर ने, यूनिटेक ने, ये यूनिटेक ने बनाई हुई है और यूनिटेक के बने हुए फ्लोर्स इसमें ए ब्लॉक में काफ़ी हैं। इसमें आपका प्लॉट और वो चीज़ें नहीं है अवेलेबल, तो आपको इसमें फ्लोर जो 10 से 12 साल पुराने फ्लोर हैं वो ही मिलेंगे, चाहे 240 स्क्वायर यार्ड के आसपास के। कुछ है साइज़ 180 का, पर बहुत कम है, 240 गज के इसमें फ्लोर मिलेंगे। सामने बी ब्लॉक है, यहाँ से हम लोग निकलते ही जैसे निकलेंगे तो ये आपका सारा सी ब्लॉक आ जाता है। ये सी ब्लॉक आ जाता है, सी ब्लॉक से थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पे ये आ जाता है कमर्शियल। ये कमर्शियल क्या है, कमर्शियल सोसाइटी शॉप्स हैं सारी, जो कि साउथ सिटी 2 की बहुत पुरानी बनी हुई हैं। सी ब्लॉक के साथ में ही ये शॉप्स आ जाती हैं। इसके बिल्कुल अगर आप लोग इसके सामने देखेंगे, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो ये रोड आती है, ये एक रिवेन्यू रोड है जो कि 12 मीटर का रास्ता है। ये सीधा आता है आप लोगों के यहाँ पे एक्सटेंशन रोड है, यहाँ पे एक्सटेंशन रोड है। एक्सटेंशन रोड से बिल्कुल सीधा सीधा आता है और आपके जो ये पार्क हॉस्पिटल वाली रोड है इसको बिल्कुल टच करता है सामने। ये पार्क हॉस्पिटल वाली रोड जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सीधा सीधा होके आप लोगों की निकलती है हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ और आपके सीधा जाती है पारस हॉस्पिटल, और ये ही रोड सीधा आपको गोल्फ कोर्स से भी कनेक्ट करती है। इसके बाद अगर आएंगे हम सी ब्लॉक के बाद बात करें तो यहाँ पे जस्ट कोने में डी ब्लॉक है, साथ में ही डी वन ब्लॉक है। डी ब्लॉक में और डी वन ब्लॉक में भी अधिकांश जो हैं वो पुराने फ्लोर्स बने हुए हैं, और कुछ प्लॉट थे डी वन ब्लॉक में जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, और डी ब्लॉक में भी प्लॉट थे उसमें भी फ्लोर बना के बेच चुके हैं। तो बहुत कम प्लॉट के आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आप डी ब्लॉक से आगे चलते हैं, सामने ही डी वन ब्लॉक के ये जो कमर्शियल मार्केट है, ये इसको बोलते हैं यूनिटेक आर्केडिया। ये सारी यूनिटेक आर्केडिया की मार्केट है, ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। और जो ये वाला ब्लॉक है, ये ई ब्लॉक आ जाता है आपके, जो डी के सामने ये ई ब्लॉक आ जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉक है नहीं, छोटा ही ब्लॉक है। जो ये सारे हैं ये पुराने कंस्ट्रक्टेड फ्लोर हैं, इसमें कोई 20 एक प्लॉट थे जो कि ऑक्यूपाइड हैं सारे ही।
आज के टाइम में कुछ कोई एक दो प्लॉट की डील आपको मिलेगी तो मिल सकती है, अदरवाइज सभी ऑक्यूपाइड है। इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे D1 ब्लॉक से, ये जो 30 मीटर रोड आ रही है, ये 30 मीटर रोड वो रोड है जो कि आपकी सीधा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आ चलती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको दिखेगा मैगडी आता है, ठीक है, इरोज आता है, इरोज का मॉल है ये, उसके बाद जस्ट बाद ये सारा साउथ सिटी 2 आ जाता है। यहाँ पे जो एरिया है सारा ये ग्रीनवुड का एरिया है, ग्रीनवुड एक सोसाइटी है उसका एरिया है सारा। जो 30 मीटर रोड है ये सारा एक्सटेंशन रोड से आते हुए सीधा इसी रोड पे पारस वाली पार्क हॉस्पिटल वाली रोड पे कनेक्ट करता है, और यहाँ से हम लोग सीधा निकल जाते हैं 46-45 की तरफ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही, यहाँ पे अगर ये स्कूल देखा जाए तो स्कूल RPS इंटरनेशनल है, फिर यहाँ पे एक और स्कूल है तो नारायणा स्कूल है। ये क्लब की बात की जाए तो जो एक क्लब है, क्लब पैशियो है, जो कि साउथ सिटी 2 के लिए स्पेशली बना है, ये बहुत सुंदर क्लब बना हुआ है, इसमें जो मेंबरशिप है साउथ सिटी 2 के रेजिडेंट्स ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, हमने डी ब्लॉक तक, अभी ई ब्लॉक तक आपको समझाया, ई के बाद अगर मैं बात करूँ ये एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में आपके काफ़ी प्लॉट भी हैं और बिल्डअप भी हैं, बिल्डअप कम है थोड़े से इसमें, एफ ब्लॉक में आप लोगों को प्लॉट मिल सकते हैं। एफ के बाद बात करते हैं जी, ये जी ब्लॉक है सारा, जी ब्लॉक बिल्कुल निर्वाणा के साथ लगता है। एक तो जी ब्लॉक आ जाता है, जी के अपोजिट ही ये एच ब्लॉक आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ RPS इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पे आर्केडिया मार्केट भी मैंने आपको बताई जिसमें ऑफिस स्पेस और रिटेल शॉप्स हैं, और इसके जस्ट पीछे ही यहाँ पे जो एच ब्लॉक है इसके जस्ट पीछे ही आप लोगों ने सुना हो तो बहुत अच्छा कमर्शियल बना हुआ है जिसका नाम है गुडर्ट सिटी सेंटर। ये सारा गुडर्ट सिटी सेंटर का एरिया है एच ब्लॉक के जो पीछे वाला एरिया है। अगर हम लोग बात करें, अब एच ब्लॉक तक समझा चुका हूँ मैं आपको, जी एच ब्लॉक तक, और लास्ट ब्लॉक है ये आई। आई थोड़ा सा हल्का ब्लॉक पड़ता है इसमें, क्योंकि क्या है क्या इसमें तो जो पीछे लगता है कुछ रिलीज लैंड भी लगती है, तो इस वजह से आई ब्लॉक थोड़ा सा आपको अगर आप रहने के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो 2 रुपये कम मिल सकता है। तो ये सारा साउथ सिटी 2 का एरिया था, और जैसे ही आप लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे, मैंने बताया आपको यहाँ पे नारायणा स्कूल है, यहाँ पे फिर एफ ब्लॉक की मार्केट आ जाती है, यहाँ पे सोसाइटी शॉप्स हैं, डी ब्लॉक के सोसाइटी शॉप्स हैं, यहाँ पे एंटर करते ही ए ब्लॉक की मार्केट है। तो वेल हैबिटेड, बहुत अच्छा एरिया सारा ये है। इसके बाद जस्ट यहाँ क्रॉस करते ही आप लोगों का आ जाता है निर्वाणा कंट्री, शुरू हो जाता है, यहीं पे एलान ने अपना कमर्शियल भी लॉन्च किया था। तो ये सारा एरिया आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम लोग यहाँ के प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे प्लॉट अराउंड अराउंड आपको 2,25,000 रुपये गज से 2,50,000 रुपये गज के यहाँ पे प्लॉट के रेट हैं, 2.50 के रेट हैं। और अगर आप फ्लोर की बात करें तो फ्लोर यहाँ पे अगर पुराने फ्लोर देखेंगे 180 गज वाले देखेंगे तो वो करीबन 75-80 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं, जो कि 10 से 12 साल पुराने, इनमें लिफ्ट नहीं है। और अगर आप नए फ्लोर देखेंगे, नए 180 में अवेलेबल ही नहीं होते हैं क्योंकि प्लॉट ही नहीं है। अगर 240 गज की बात करें तो 240 गज के अगर आप नए प्लॉट देखेंगे तो सारे जो हैं 2 करोड़ के आसपास से रेट शुरू हुआ है। और अगर आप 375 गज के आसपास के देखेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा एरिया निकल के आ जाता है। तो उम्मीद कहूँ आप लोगों को कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में, और सीरीज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें पूरी सीरीज़ है लोकेलिटी रिव्यू की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, काइंड एंड सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एड कर पाऊँगा।